नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक डिजिटल डीएस में। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर सामने भी देख पा रहे हैं कि जियो ने भी एयरटेल और वोडाफोन की ही तरह अपने सभी रिचार्ज प्लान्स के दाम को बढ़ाया है, यानी हाइक किया है, और इससे भी ग्राहकों पर बोझ पड़ना निश्चित है। दोस्तों, जब भी एक कंपनी प्राइस रेस करती है तो ये ऑब्वियस हो जाता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी से कंपटीशन करने के लिए बाकी कंपनियां भी प्राइस राइज करती हैं। एक तरह से इन लोगों का ये आपस का टशन है और इससे परेशानी होती है कस्टमर्स को। तो ये पहले से ही लग रहा था, जब भी एयरटेल और वोडाफोन ने अपने प्राइस हाई किए तो ये लग ही रहा था कि जियो भी प्राइस हाई करेगा, लेकिन इसमें बस गुंजाइश इतना ही रखा गया है जियो के द्वारा कि प्राइस जो भी बढ़ाया गया है वो वोडाफोन और एयरटेल के कंपेरिजन में कम है। प्लान के ऊपर जो प्राइस हाइक किया गया वो प्लान की प्राइस कम है। जैसे स्टार्टिंग में भी आप देख लें, जियो फोन प्लान का जो प्राइस पहले 75 रुपीज़ का था, वो प्लान की प्राइस हो गई है 91 रुपीज़ की। वैलिडिटी, किसी भी प्लान की जो वैलिडिटी है उसके साथ उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है, वैलिडिटी सेम है। इसलिए सेम है क्योंकि प्राइस हाइक किया गया है। कुछ प्लान अभी भी जियो रिचार्ज में आप जाएंगे तो उतना ही दिखाएगा। जैसे 149 का प्लान आप रिचार्ज करते हैं तो माई जियो ऐप में अगर जाएंगे तो वहाँ रिचार्ज करेंगे तो 149 प्लान शो करेगा, लेकिन उसमें ध्यान से देखेंगे तो जो 149 प्लान की वैलिडिटी 24 डेज की हुआ करती थी, वो घट के कंपनी ने उसको 20 दिन कर दिया, यानी कि आपको 4 दिन पहले ही रिचार्ज कराना पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कंपनी ने उस प्लान को एक्सटेंड किया है, प्राइस हाइक किया है, लेकिन वैलिडिटी नहीं बढ़ाई है, यानी कि नुकसान कस्टमर्स का ही है। इसी तरीके से बाकी प्लान्स आप देख लें, 129, 149, 199, 249, ये करंट प्राइस वाले प्लान थे, लेकिन जो नया प्राइस जो 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा वो है, लागू हो ही गया है, वो है आपका, आप देख लें, 129 का प्लान अब मिलेगा 155 में, 149 का प्लान 179 में, वैलिडिटी चेंज नहीं की गई है, 199 प्लान 239 में, 28 डेज वैलिडिटी एंड 1.5 GB पर डे डेटा। अब देख लें, 249 का प्लान अब मिलेगा आपको 299 में, विथ 28 डेज वैलिडिटी एंड 2 GB पर डे। इसी तरीके से 399 का प्लान है आपका, जो कि अब 479 में मिलेगा, 56 डेज की वैलिडिटी है। 444 का प्लान आपको 533 रुपये में मिलेगा। 329 प्लान की प्राइस होगी 395 रुपीज़, विथ 6 GB डेटा एंड 84 डेज वैलिडिटी। तो 555 का प्लान अब हो गया 666 में, 84 दिन की वैलिडिटी के साथ, और 1.5 GB पर डे इसमें डेटा मिलेगा। इसके अलावा भी 1299 का प्लान है, 2399 का प्लान है, इनके प्राइस भी देखिए ज़बरदस्त बढ़े हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो बूस्टर पैक है, जब आपका डेटा ख़त्म हो जाता है पर डे वाला, तो आप बूस्टर पैक रिचार्ज कराते हैं कि आपको 5 GB 12 GB इस तरीके से डेटा मिले, तो उनके प्राइस भी हाइक किए गए हैं। जो 51 रुपये का डेटा आप लेते थे 61 रुपये का हो गया है, 101 रुपये का डेटा लेते थे वो 121 रुपये का हो गया है, और 251 का डेटा जो आप रिचार्ज करा रहे थे बूस्टर पैक में वो अब हो गया है 301 रुपये का। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें प्लान के हिसाब से स्पेसिफाइड कर दिया गया है। और अगर आप कंपेरिजन करें एयरटेल और वोडाफोन से कि इन तीनों कंपनियों ने जो प्राइस हाइक किया उसमें सबसे कम हाइक किस कंपनी ने किया है, तो वो है जियो। लेकिन हाइक तो है दोस्तों, प्राइस बढ़ाए गए हैं, और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कस्टमर पे ही इसका बोझ पड़ने वाला है, कंपनी को तो प्रॉफिट ही होगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको इनक्रेज करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ लेकर आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।